अभी कुछ दिन पहले आशा दीदियों का हड़ताल था, उनको जो है 1000 रुपया जो है मिलता था राज्य सरकार द्वारा, हालांकि ये केंद्र सरकार द्वारा ये जो है योजना जो है चलाया जाता, केंद्र सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया, लेकिन आशा दीदी सब लोग आई हुई थी, उनका डिमांड था, तो उसको चुनाव में भी हमने कहा था इनके मानदेय को हम लोग दुगुना करें, तो 1000 नहीं हम लोग उसको 2500 करने जा रहे हैं, लगभग 2.5 गुना हमारी सरकार जो है बढ़ाने का काम। तो आपका एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आशा वर्करों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आशा वर्करों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, जो अभी फिलहाल में आशा वर्करों का 2500 रुपए मानदेय तय हुआ था, तो आशा वर्करों को इस बात का डर था कि सरकार की तरफ से अभी तक कुछ भी घोषणा नहीं हुआ है। तो आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि घोषणा हो चुका है। 15 अगस्त के मौके पे, मतलब स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव खुद ऐलान किया है, खुद घोषणा किया है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने मुंह से खुद कहा है कि मैं आशा वर्करों की मानदेय कर दिया हूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाते हैं। नौजवान छात्र छात्राएं सबसे पहले आगामी 15 अगस्त 1948 इस अवसर पर आपके पंचायत आपके बदन पे आने का मौका मिला और आज इस पावन दिन पर सबसे पहले आप लोगों को हम बधाई देते हैं स्वतंत्रता दिवस की, और हम चाहेंगे कि यहाँ जितने लोग भी उपस्थित हैं आज खुशी का दिन है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, और आज के दिन पटना जिला प्रशासन द्वारा विकलांगों के लिए साइकिल वितरण भी हुआ है, चश्मा का भी वितरण किया गया है, और जीविका दीदी की फोटो शेयर भी प्रदान किया गया है। तो ये खुशी की बात, हमारे सरकार का यही संकल्प है कि सबको आगे बढ़ने का अवसर मिले, जो हमारे गरीब दुर्गा जो समाज हमके मैदान पर खड़ा है, हम लोगों की कोशिश है कि उन सभी लोगों को मुख्य धारा में हम लोग जोड़ने का काम करें, मुख्य धारा में लाने का काम करें। आदरणीय लालू जी नहलाने का काम करते थे, बाल कटवाने का काम करते थे, लोगों को भेजने का काम करवाते थे। आज जागरूकता जो है इतनी बढ़ गई है, आज कोई आपका अधिकार आपसे छीन नहीं सकता। अगर लड़ने की ताकत आपको किसी ने दी है तो लालू प्रसाद यादव जी ने देने का काम किया। आप सब लोगों को यही बताना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम सब लोग जो है काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आशा दीदियों का हड़ताल था, उनको जो है 1000 रुपया जो है मिलता था राज्य सरकार द्वारा, हालांकि ये केंद्र सरकार द्वारा ये जो है योजना जो है चलाया जाता, केंद्र सरकार ने आज तक नहीं बढ़ाया, लेकिन आशा दीदी सब लोग आई हुई थी, उनका डिमांड था, तो उसको चुनाव में भी हमने कहा था कि इनके मानदेय को हम लोग दुगुना करें, तो 1000 नहीं हम लोग उसको 2500 करने जा रहे हैं, लगभग 2.5 गुना हमारी सरकार जो है बढ़ाने का काम करे। साथ ही साथ और उनकी जो समस्याएं थी उसको भी हम लोग सुनने का काम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को हर जगह चारों तरफ जो है काम दिखना चाहिए उस चीज को लेकर। अभी ये बिल्डिंग बना है, माननीय नीतीश कुमार जी भी उनके नेतृत्व में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो भी चाहते हैं कि सब लोग जो है आगे बढ़े, तरक्की करें, लेकिन आप जान रहे हैं कि बिहार जब तक छलांग नहीं लगाएगा तब
तब तक जो है देश विकास तय करेगा। लगातार हम लोगों की केंद्र सरकार से मांग रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को जो है स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, आप लोग को कंफर्म हो गया कि तेजस्वी यादव ने खुद घोषणा कर दिया है कि 2500 रुपए सभी आशा वर्करों का मैंने मानदेय तय कर दिया है, जो कि सितंबर माह से मिलेगा। और अभी फिलहाल में ये जो 3000 रुपए मानदेय कौशलेंद्र कुमार वर्मा की तरफ से कहा जा रहा था, तो उसका अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है। अगर फिर से कोई नया अपडेट आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आप लोग खुश हो जाइए, क्योंकि खुद स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव आप लोग को अपने मुंह से कह रहे हैं कि आशा वर्करों का 2500 रुपया मानदेय तय हो चुका है। तो अब आप लोग संतुष्ट हो जाइए, क्योंकि आप लोग का मानदेय तय हो चुका है। आप लोग को जिस चीज का इंतजार था, जिसके लिए कंफ्यूजन चल रही थी, वो अब क्लियर हो चुका है। तो आप लोग खुश हो जाइए, 2500 रुपया मानदेय के रूप में आप लोग की एक पहचान बन गई है। तो फिर कोई न्यू अपडेट आता है तो मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आशा वर्कर से रिलेटेड न्यू अपडेट आता रहता है। तो फिर मिलेंगे ऐसी न्यू खबर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट बॉक्स में हमारी जीत हुई है लिखना मत भूलना।